नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ। गाड़ी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि खुशी की बात है, दो अटेम्प्ट की न्यूज आ गई है। चार अटेम्प्ट नहीं होंगे पर मेरे हिसाब से वो ज्यादा भी थे। जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने निरंतर प्रयास कराए कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनके लिए दो अटेम्प्ट बहुत हैं। एक बार अगर कुछ चूक रह जाए तो दूसरे में अपन कर सकते हैं। पर मैं ईश्वर से कामना करता हूं और आपसे भी ये वादा लेना चाहता हूं कि आप सभी लोग पहले अटेम्प्ट में ही 99 के ऊपर परसेंटाइल लाकर NIT अपनी पक्की कर लेंगे और फिर जे एडवांस की तैयारी अपन जोरों शोरों के साथ करेंगे। जो मोशनाइट बच्चे हैं उनसे भी यही मैं बार बार लगातार क्लासों में बोल रहा हूं और जो मुझे सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि पूरी तैयारी करिए, जुजान से जुट जाइए। समय आ गया है कि जो अपन ने इतने सालों से तैयारी करी है या इतने महीनों से तैयारी करी है उसको अपन सार्थक सिद्ध करें और अपने अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का भविष्य उज्ज्वल करें। कई बार बच्चे पूछ रहे हैं सर ये अटेम्प्ट कब होंगे। जहां तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूं, एक अटेम्प्ट बोर्ड से पहले होना चाहिए, यानी 26 अप्रैल के पहले पहले हो जाना चाहिए और दूसरा उसके बाद होना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि इसी तरह का पैटर्न पहले भी रहा है। तो अपन मान के चलें कि लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, 10 अप्रैल के पहले पहले आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आना चाहिए। तो तैयारी करने में लग जाइए, PYQ सॉल्व करिए और निरंतर NCERT और PYQ से अपना रिविजन करिए। एक बार आपने अपना सिलेबस अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो अपने PYQs और NCERT से रिवीजन करिए। आप जरूर इनसे सवाल आएंगे और आप पूरे अपने सिलेबस को अच्छे से सवालों के थ्रू रिवाइज करने का प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपका आने वाला एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।